हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई इनिशियली एट रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास एम ई है और वो शुरू में किस में है, रेस्ट में, मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम टी वन। जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो टी वन टाइम में डिस्टेंस मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट वो बात कर रहा है प्रोटॉन की, अ प्रोटॉन ऑफ मास एम पी आल्सो इनिशियली एट रेस्ट। एक प्रोटॉन है जो शुरू में किस में है, रेस्ट में, टेकन टाइम टी टू टू मूव थ्रू एन इक्वल डिस्टेंस इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर प्रोटॉन को भी उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस करें तो वो टी टू टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे तो एक कंडीशन हमें मिल गई कि दोनों जो हैं वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो जो प्रोटॉन है भी है वो भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वहाँ पे एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और शुरू में दोनों किस में हैं, रेस्ट में, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। निगलेक्टिंग द ग्रेविटी द रेशियो टी टू अपॉन टी वन मीन्स दोनों ने जो टाइम ले रहे हैं उनकी जो रेशियो है वो किसके इक्वल हमें दे रखी है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है वन, सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा है दैट इज अंडर रूट एम पी अपॉन एम ई, थर्ड जो दे रखा है एम ई इंटू एम पी अंडर रूट, और फोर्थ जो है वो 18। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जो है वो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे जब मैं नेगेटिव चार्ज को प्लेस करूँगा यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव। प्रोटॉन को जब मैं प्लेस कर रहा हूँ तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम रहेगा, इट मींस जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रहेगा दोनों केसेस में वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों केसेस में सेम रहेगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन वहाँ पर क्या आएगी, ऑपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों केसेज में क्या रहेगा, सेम। तो सेम फोर्स वो एक्सपीरियंस करेंगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलेरेशन हम यहाँ पे डिटरमाइन करना है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या डिटरमाइन करना है, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ए इज इक्वल टू एफ वन एम। तो फोर्स जो प्रोटॉन एक्सपीरियंस कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो दोनों फोर्सेज हमारे पास क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे पास एक्सेलेरेशन यहाँ पे आएगा वो आएगा एफ वन एम ई, प्रोटॉन के लिए जो एक्सेलेरेशन आएगा दैट इज एफ वन एम पी। तो ये एक्सेलेरेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मिल गया और एक्सेलेरेशन किसका मिल गया, प्रोटॉन का। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो गिवन कंडीशन हमारे पास ये यहाँ पे जो है वो गिवन है कि दोनों जो हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो दोनों हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जो ये टाइम ले रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो टाइम ले रहा है वहाँ पे वो T1 टाइम ले रहा है और जो प्रोटॉन है वो कितना टाइम ले रहा है, T2। इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। प्रोटॉन रेस्ट में था तो प्रोटॉन की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या आएगी, जीरो। और एक्सेलेरेशन हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर ली, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास आ गया एफ वन एम ई, और एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन जो है मेरे पास वो कितना आ गया, एफ वन एम पी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कंडीशन कि दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सेम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए, तो मेरे पास क्या आएगा, यू टी वन इलेक्ट्रॉन का टाइम प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रोटॉन की बात करें यू पी प्रोटॉन टाइम कितना ले रहा है, टी टू टाइम ले रहा है प्रोटॉन, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन टी टू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे शुरू में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, प्रोटॉन भी शुरू में रेस्ट में है तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हाफ ए ई टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए पी टी टू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास टर्म। एक्सेलेरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एफ अपॉन एम ई, तो एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एफ अपॉन एम ई इनटू
T1 स्क्वायर, दूसरी तरफ प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है F अपॉन MP इंटू T2 स्क्वायर, सेम फोर्स है, फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है रेशियो T2 अपॉन T1 की। तो T2 अपॉन T1 की रेशियो अगर हम यहाँ पे देखें तो T2 अपॉन T1 मीन्स ये फैक्टर्स को डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो MP पड़ा है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये MP अपॉन ME यहाँ आएगा और T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर ये आएगा हमारे पास। दोनों की रेशियो पूछी है तो ये स्क्वायर इस तरफ आएंगे तो क्या बन जाएंगे, अंडर रूट, तो ये बन जाएगा MP अपॉन ME और T2 अपॉन T1। इट मीन्स जो रेशियो आएगी T2 अपॉन T1 की वो रेशियो जो मेरे पास आएगी अंडर रूट MP अपॉन ME। अब जो फोर ऑप्शन हमें दे रखी थी वो फोर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो थी 1 थी, सेकंड ऑप्शन आ रही है हमारे पास, क्लियर। इट मीन्स जो रेशियो ऑफ T2 अपॉन T1 आएगा दैट इज अंडर रूट MP अपॉन ME। तो यहाँ पे टू स्टेप्स में हमने किया, फर्स्ट हमने एक्सेलरेशन को डिटरमाइन किया, देन हमने डिस्प्लेसमेंट जो है उनकी डिटरमाइन की, SE एंड SP दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल हैं, वैल्यूज पुट की, जो कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में हमें दोनों की टाइम्स की रेशियो यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।